साल 2001 में सनी देओल ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक फिल्म गदर एक प्रेम कथा के जरिए दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और इतिहास रच दिया था। गदर को रिलीज हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई भी बॉलीवुड मूवी इसके करीब नहीं पहुंच पाई है। ट्रेड एनालिस्ट की माने तो 500 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली बाहुबली 2 भी कई मामले में गदर से पीछे है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गदर को लेकर किस तरह से गदर मचा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 की कहानी पूरी कर ली है। इसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा नजर आएंगे। अनिल शर्मा इस साल नवंबर के महीने से गदर 2 की शूटिंग शुरू कर देंगे। एक रिपोर्ट की माने तो अनिल शर्मा और उनकी टीम ने गदर 2 का प्लॉट लॉक कर लिया है। अब वो लोग इस कहानी के आसपास स्क्रीन प्ले लिख रही है। पहले भाग की तरह इस बार भी तारा सिंह पाकिस्तान जाएगा, लेकिन इस बार वो अपने बेटे के लिए पाकिस्तान में कदम रखेगा। फिल्म का प्री प्रोडक्शन पूरा हो चुका है और फिल्म नवंबर के महीने से शुरू हो जाएगी। फिल्म गदर 2 को अनिल शर्मा और जी प्रोडक्शन साथ में मिलकर करेंगे। अनिल शर्मा इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने सनी देओल के साथ कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से अनिल शर्मा का वक्त ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन गदर 2 वो फिल्म हो सकती है जो उनका करियर फिर से पटरी पर ले आए। गदर 2 के साथ साथ अनिल शर्मा अपने 2 पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें पूरी देओल फैमिली नजर आएगी। धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल के साथ साथ करण देओल भी दिखेंगे। पल पल दिल के पास से करण देओल का करियर उड़ान नहीं भर पाया था। देओल परिवार को उम्मीद है कि अपने 2 से वो हिट हीरोज की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये फिल्म पहले इसी साल रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते ऐसा नहीं हो पाया। बताया जा रहा है जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी और अगले साल तक इसे रिलीज किया जाएगा। सनी देओल के पास इन दिनों फिल्मों की लाइन लगी हुई है। गदर 2 और अपने 2 के अलावा वो राज बाल्की की एक्शन फिल्म में काम कर रही है, जिसे काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। वैसे लोग सनी देओल की फिल्म गदर 2 को लेकर एक्साइटेड हैं, क्योंकि इस फिल्म में सनी देओल पाकिस्तान जाकर सभी को सबक सिखाएंगे। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।